बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद से एल्विश यादव फरार है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक एल्विश यादव नोएडा में रेव पार्टी कराता था। इसमें बताया गया है कि इस पार्टी में जो बैन हो चुका है सांपों का जहर, उसका भी इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ही इस रेव पार्टी में विदेशी लड़कियों की भी एंट्री कराई गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एल्विश के गैंग में शामिल 5 लोगों को धर दबोचा है। फिलहाल एल्विश यादव फरार है, लेकिन पुलिस ने एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच इस टाइम पर चल रही है। नोएडा पुलिस के एफआईआर की माने तो एल्विश यादव की रेव पार्टी में विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था। पुलिस ने बताया कि फिलहाल एल्विश यादव अभी मामले से फरार है। पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को पकड़ा है उनके कब्जे से 9 जहरीले सांप बरामद हुए हैं। इस मामले में एल्विश यादव समेत 6 नामजद और बाकी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार करने में जुटी है। ये नोएडा के थाना सेक्टर 49 का मामला है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके कब्जे से 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप बरामद किए गए हैं, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुही सांप और 1 रेट स्नेक जिसे घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। इन सांपों और जहर का इस्तेमाल पार्टी में नशे के लिए किया जाता है। एल्विश यादव समेत बाकी लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कई धाराओं और IPC की धारा 120 के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है एल्विश यादव को ढूंढ रही है और बताया जा रहा है कि जल्द एल्विश को इस मामले में अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।